दोस्तों, अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन न देने के सिलसिले में जो याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कल उस पर सुनवाई हुई है। कल मतलब 15 मई 2020 को उस पर सुनवाई हुई है। और उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये याचिका किसने की थी आपको पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि 2 या 3 फर्म्स हैं, ऐसी कंपनियां हैं ऐसी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है सरकार के इस आदेश के खिलाफ। तो दोस्तों, इसमें से एक मुंबई की एक कपड़ा फर्म है, उसने अपील की थी। और 41 छोटी बड़ी कंपनियों का एक समूह है, एक जो लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन करके एक संस्था है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। इन जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने कहा था कि इसको जो डिसीजन है सरकार का, इसको रोक लगा दी जाए, इसको ना माना जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। और तब लगभग ये हो गया था कि अप्रैल तक की सैलरी कंपनीज को देनी होगी। बट दोस्तों, इस हफ्ते जो सुनवाई हुई है पिछले लास्ट फ्राइडे को, कल, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था उस पर जवाब देने के लिए, पर कल सरकार की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया गया। सरकार ने 1 हफ्ते का और टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा है दोस्तों अपने डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को पूरा वेतन नहीं दिया है मार्च अप्रैल इस लॉकडाउन में, तो उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 हफ्ते का टाइम है सरकार के पास जवाब देने के लिए, और इस 1 हफ्ते में कोई कार्रवाई ना की जाए, कोई केस न डाला जाए ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो वेतन देने में असमर्थ हैं, पूर्ण वेतन देने में असमर्थ हैं। दोस्तों, जो ये जो फर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, इन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि हम लोग लॉस में जा रहे हैं, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं किए, अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रीज ओपन नहीं किए, तो जिसकी वजह से हम करोड़ों के नुकसान में हैं, तो हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने याचिका में ये भी कहा था कि हमें अलाउ किया जाए कि हम 50% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी दे दें अपने एम्प्लॉयज को, पूर्ण वेतन नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि हमारे जो श्रम मंत्रालय में जो हमारे श्रम मंत्री हैं, उनसे भी कुछ कंपनियां मिलने गई थी CIA के थ्रू, तो CIA ने उनसे कहा था कि इस डिसीजन को वापस ले लिया जाए और 50% हम दे सकते हैं, 50% हम पेमेंट कर देंगे एम्प्लॉयज को, बट हम पूर्ण वेतन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल कल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि आप बाध्य नहीं है, मतलब कंपनियों को बोला कि वो बाध्य नहीं है, अभी वो सैलरी नहीं देंगे तो नहीं देंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बट 1 हफ्ते का टाइम दिया गया सरकार को कि वो इस पर जवाब दे। तो दोस्तों, अब देखने लायक बात ये होगी कि जो लोग, जो मेरे साथी, जो प्राइवेट काम करने वाले जो मेरे मित्र हैं, उनमें से कई लोगों ने शायद कंप्लेंट की होगी, शायद शिकायत की होगी, और शायद कुछ करने वाले होंगे। तो जो लोग शिकायत करने की सोच रहे हैं, वो अभी रुक जाइए, 1 हफ्ते का और टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, तो देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। दोस्तों, याचिका में कहीं कहीं पे ये भी कहा गया था कि अगर सरकार की तरफ से हमें कोई पैकेज दिया जाएगा तो शायद हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएं। तो अभी आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज में देखते हैं क्या इन कंपनियों को भी कुछ हिस्सा जा रहा है उसका, जिससे वो लोग वेतन रिलीज कर पाए। तो दोस्तों, ये सब देखने वाली चीजें होंगी कि क्या होता है फ्यूचर में, नेक्स्ट वीक क्या होता है, सरकार नेक्स्ट वीक क्या बोलती है वेतन के सिलसिले में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई वेतन मिला ही नहीं है अप्रैल का या मार्च का, तो अगर गवर्नमेंट अगर बोल देती है, गवर्नमेंट ने तो पूरा वेतन देने के लिए बोला ही था, पर अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि पूरा वेतन अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो तो आप आधा ही वेतन दे दो, जैसा कि इन लोगों ने, कंपनियों ने अपने याचिका में बोला है, तो भी ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी महकमों में भी दोस्तों आपको पता होगा कि जो DA बड़ा था वो कैंसिल कर दिया गया है लगभग 1 साल के लिए, और कहीं कहीं पे 1 दिन की सैलरी भी काटी गई है। तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये लोग हमारा वेतन से कुछ कट ना करें। तो पूरे वेतन की उम्मीद करना तो शायद नाइंसाफ़ी होगी यहाँ पे, अपनी कंपनी से, अपनी गवर्नमेंट से हम इतनी उम्मीद भी नहीं लगा सकते। तो देखते हैं, अगले हफ्ते 1 हफ्ते का और वेट करना होगा। दोस्तों, बने रहिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीक जब अपडेट आए तो मैं आपको अपडेट देने के लिए सबसे पहले मैं दूँ आपको अपडेट। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बने रहिएगा, नज़र रखेंगे हम पल पल की। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।